हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सर्दियों का सीज़न आ चुका है और अब लगाना है सीजनल पौधे, तो ये सही समय है सीजनल पौधे लगाने का। कुछ मैं फूलों के पौधे लगाऊंगी और कुछ सब्जियों के। तो उससे पहले करनी पड़ेगी सफाई, तो मैं चलती हूँ सफाई करने के लिए। तो चलिए सफाई करते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा घास हो रखा है, यहाँ पर करूँगी सफाई। और वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ की कर देंगे पूरी सफाई। तो यहाँ पर बहुत घास हो रहा है तो मैं करूँगी सफाई, और कीड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो मैंने सोचा कि अभी साफ कर लेती हूँ और बाद में जो पौधे लगाने हैं उसको लगाऊँगी। सफाई करने के बाद यहाँ पर मिट्टी को भुरभुरा करना है, उसके लिए मैं फावड़ा से अच्छी तरह से खुदाई कर दूँगी पूरी जगह में। और खुदाई करने के बाद पीछे भी सफाई करने के बाद यहाँ पर कर देना है मिट्टी को भुरभुरा। और भुरभुरा करने के लिए मैं यहाँ पर फावड़े की मदद से अच्छी तरह से खुदाई कर दूँगी, और बहुत अच्छे से करना है नहीं तो ये पौधे अच्छे से नहीं लगेंगे। मैंने कुछ कटिंग लगाए थे पीछे लगे हुए हैं, उसके पत्ते निकल रहे हैं, उसको लगाना है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ घास को साफ़ करने के लिए, और सारे घास को मैं हटा दूँगी, साफ़ कर दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था कल, और मिट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। उसके बाद लगाना है गेंदे के कुछ कटिंग, और गुलदावरी के कटिंग मैंने लगाया था उसको भी लगाएंगे। पौधे बन चुके हैं और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ नर्सरी में, और नर्सरी से मुझे लेना है फूलों के कुछ पौधे और लेने हैं सब्जियों के पौधे। फूलों के पौधे में से मैं लूँगी कुछ पिटूनिया के पौधे और कुछ डैंथस के पौधे, क्योंकि पिटूनिया और डैंथस के बीज मैंने नहीं रखे थे तो उन्हीं को लेना है। और सारे बीज मैंने घर पे लगा दिया है, जो बाकी के फूल के बीज रखे थे उनको मैंने लगा दिया है। कुछ पौधे बन चुके हैं और कुछ अभी बन रहे हैं, तो उन्हीं को मैं बाद में लगाऊंगी जब बड़े हो जाएंगे थोड़े से। और देखिए फूल कितने अच्छे खिल रहे हैं पिटोनिया के, बहुत ही अच्छे दिख रहे थे तो मुझे लेने का मन हुआ, तो मैंने बहुत सारा पिटोनिया के पौधे ले लिए हैं और घर में जाके लगाएंगे। और कुछ यहाँ से डैंथस के पौधे भी लेके गई हूँ, और सारे जाके घर में लगाएंगे। और बहुत अच्छे अच्छे फूल के पौधे यहाँ पर मिल रहे थे नर्सरी में, ये है रुद्रपुर की रोड में, और बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन यहाँ से मिल जाते हैं। चलिए घर में जाके लगाते हैं। गेंदे की कटिंग मैंने लगा दी है, और गुलदावरी के जो पौधे थे वो भी लगा दिया है, और पानी डाल दिया था कल ही लगाया था। इसके बाद इधर के साइड कुछ ईंटें रख दिए हैं लाइन से, और उसके ऊपर गमले रख दिए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। सुबह सुबह मैं लगाने बैठ गई थी सब्जियों के पौधे, और सब्जियों में मैंने लिया है गांठ गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, चुकंदर और कुछ टमाटर के पौधे सारे लगा रही हूँ। और मेरी ननद भी मेरे साथ हेल्प कर रही है, और हम दोनों बातें करते करते सारे पौधे हमने लगा लिए थे। ये जो क्यारी देख रही है ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है, बनाने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, और इसमें पानी डालने में भी बहुत ही आसानी होगी। जब हम पानी डालेंगे तो बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि पैर में मिट्टी वगैरह नहीं लगेगी जब पानी डालेंगे, और कुछ लेना होगा तो आसानी से ले सकेंगे, गुड़ाई वगैरह कर सकेंगे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ फूलों के पौधे लगाने के लिए, और मैं लगाऊंगी ग्रो बैग में फूलों के पौधे। और जो ये मिट्टी देख रही हैं ये पिछले साल जो हमने पिटोनिया लगाया था ग्रो बैग में मिट्टी थी, उसी को निकाल के उसमें थोड़ा सा लकड़ी का बुरादा मिलाया है और थोड़ा सा गोबर की खाद मिलाई है। मिट्टी हमारी तैयार हो चुकी है, ग्रो बैग लेंगे। ग्रो बैग में होल्स किया हुआ था पहले से, उसमें थोड़ा सा लकड़ी का बुरादा डालेंगे, और जो सॉइल मिक्स हमने तैयार किया है उसको डाल देंगे। और इसके बाद जो फूलों के पौधे हैं मैं पिटोनिया लगाऊंगी इसमें, तो पन्नी को अलग कर देना है और मिट्टी हमारी ना टूटे आराम से इसके पन्नी को निकालना है, और इसके बाद इसमें लगा देना है। इसी तरह सारे पौधों को लगा दूंगी। और जो डैंथस के पौधे हैं उसको मैंने प्लास्टिक के पॉट में लगाया है, और उसके बाद डाल देना है पानी। पानी में फव्वारे से डालूंगी, फव्वारे से पानी डालने से
जो मिट्टी है इधर उधर नहीं होती और बहुत ही अच्छे से पानी इसमें पड़ता है और जो पेड़ है उसमें जो मिट्टी लगी रहती है वो भी अच्छे से धुल जाता है। इसी तरह सारे पौधों में मैंने पानी डाल दिया है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।